हमारे संविधान निर्माताओं ने मसौदों को सरल रखा। उनका ध्यान केंद्रित था संविधान की मूल भावनाओं और उद्देश्यों को हासिल करने में। हमारी संविधान की मूल भावनाएं हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था और मैं उनके शब्दों को दोहराना चाहती हूँ। मैं समझता हूँ कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो वो बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हो। एक संविधान चाहे जितना बुरा हो वो अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हो। बाबा साहेब संविधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को बहुत जोर देते हैं। उन्होंने कहा था कि प्राचीन काल में भारत में अनेक गणतंत्र थे जहां राज्य सत्ताएं थी, वे भी या तो निर्वाचित थी या उनमें राजाओं की शक्तियां सीमित थी। प्राचीन बौद्ध संघों में संसदीय प्रक्रिया के उन सभी नियमों का पालन किया जाता था जो आधुनिक युग में सर्वविदित है। सदस्यों के बैठने की व्यवस्था, प्रस्ताव रखने, कोरम, मतों की गणना, मतपत्र द्वारा वोटिंग और निंदा प्रस्ताव आदि संबंधी नियम अभी भी चलन है। प्राचीन भारत में सभा और सीमित जैसे लोकतांत्रिक संस्थान आतिथ्य में थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत भूमि की प्राचीन लोकतांत्रिक परंपराओं को हमारे आधुनिक लिखित संविधान के रूप में पुनर्जन्म दिया था।